रीवा शहर की नगर निगम आयुक्त रही श्रीमती संस्कृति जैन को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए गए नए आदेश के बाद अब सिवनी जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान उनकी पदस्थापना के बाद से लेकर अब तक उनके कार्य के दौरान रीवा के जनप्रतिनिधि, आम लोगों और मीडिया कर्मियों द्वारा जो सहयोग किया गया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उनकी बतौर कलेक्टर या पहली पदस्थापना सिवनी जिले में है। कल रात मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पदस्थापना के दौरान नगर निगम के हर अधिकारी और कर्मचारियों सहित आम जनता ने पूरा सहयोग किया है और उन्होंने भी अपनी पूरी क्षमता से शहरवासियों के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि रीवा को वह कभी नहीं भूल पाएंगी क्योंकि इसके पहले प्रशिक्षण के दौरान भी उनकी पदस्थापना रीवा ही रही है। हम आपको बता दें, सिवनी जिले की कलेक्टर बनाई गई श्रीमती संस्कृति जैन के पति आशुतोष गुप्ता सतना जिले के पुलिस अधीक्षक हैं। पूर्व में वह भी रीवा में बतौर एएसपी रह चुके हैं, जिसके चलते रीवा से दोनों आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की यादें जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं सभी रीवा शहर वासियों का और हमारे रीवा नगर निगम के सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। रीवा शहर ने मुझे बहुत स्नेह दिया है और प्यार दिया है, साथ ही मुझे कई सारे नए कामों को सीखने की और करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है। मैं इसके लिए सभी रीवा वासियों को और हमारे नगर निगम की पूरी टीम को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इसी के साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि आने वाले समय में जिस राह पर रीवा शहर अग्रसर है, रीवा नगर निगम अग्रसर है, मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाले समय में रीवा शहर देश के सर्वोत्तम शहरों में गिना जाएगा। मैंने काफी इंटरेस्ट लिया था हमारे स्विमिंग पूल प्रोजेक्ट में जिसमें काम चल रहा है, तो स्विमिंग पूल प्रोजेक्ट मैं चाहती हूँ कि एक मेरे लिए बड़ी उपलब्धि रहेगी जब हमारा ये पुराना 1980 का स्विमिंग पूल वापस ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल बनते हुए खेल प्रतियोगिताओं में बहुत यूज में आएगा। साथ ही में मेरे समय में अमृत योजना के अंतर्गत हमने बहुत सारी नई स्कीमें शुरू की, हमने सीवरेज प्रोजेक्ट को पुनः रिस्टार्ट किया, हमने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को शुरू किया, हमारा लेगेसी वेस्ट का डिस्पोजल हुआ, हमारा रीवा का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कमीशन हुआ है। तो मुझे लगता है मेरे इस लगभग 1.5 साल के कार्यकाल में मुझे बहुत कुछ देखने को और करने को मिला है। साथ ही हमारा रीवा शहर इस बार 45th रैंक पे स्वच्छ सर्वेक्षण में आया था और हमने जीएससी 3-स्टार रेटिंग भी अचीव की थी। इस वर्ष में आशा करती हूँ कि रीवा शहरवासियों की मदद से हम 5-स्टार रेटिंग रेटेड शहर जरूर बन जाए।